नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अक्टूबर में देश में खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। अक्टूबर माह में खुदरा महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर 6.77% पर आ गई है। ये सितंबर महीने में 5 महीने के उच्चतम स्तर 7.41% से कम है। हालांकि 3 महीने के निचले स्तर तक कम होने के बावजूद ये लगातार 10वें महीने भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के 6% के टारगेट बैंड से ऊपर बनी हुई है। बता दें, सरकार ने केंद्रीय बैंक को मार्च 2026 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए खुदरा महंगाई को 4% पर 2% के मार्जिन के साथ बनाए रखने को कहा है। अक्टूबर के थोक महंगाई दर के आंकड़े आ गए हैं और ये सितंबर के मुकाबले कम हुई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 8.39% पर आई है। महीने दर महीने आधार पर देखें तो इसमें गिरावट देखी गई है। इस आंकड़ों का मतलब है कि बढ़ती महंगाई से लोगों को अक्टूबर महीने में थोड़ी राहत मिली है। सितंबर में थोक महंगाई दर 10.7% थी और इसके पिछले महीने यानी अगस्त में 12.41% थी। यानी महीने दर महीने के हिसाब से ये लगातार घट तो रही है। गुजरात BJP के गांधीनगर मुख्यालय पर सोमवार को दिन भर प्रदर्शन हुए। पार्टी में प्रदर्शनों का सिलसिला शनिवार से ही चल रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आकर यहां बागी विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बैठक ली थी। उसके बाद उम्मीद थी कि प्रदर्शनों का सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीजेपी का प्रदेश कार्यालय कमलम गांधीनगर में है। प्रदेश के कोने कोने से असंतुष्ट विधायकों और नेताओं के कार्यकर्ता यहां सुबह से ही पहुंचने लगे। धवल सिंह झाला और रणछोड़ रबारी के समर्थक भारी संख्या में कमलम पर पहुंचे और कई घंटे तक प्रदर्शन करते रहे। धवल सिंह झाला के समर्थक बाद में भी सोमवार को उनके समर्थन में प्रदर्शन करते रहे। पाटन से डॉक्टर राजुल देसाई को बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने का भारी विरोध शुरू हो गया है। बता दें, बीजेपी ने इस बार करीब 50 से ज्यादा टिकट काटने हैं। जब पहली लिस्ट आई थी तभी 38 टिकट काट दिए गए थे। पूर्व CM विजय रूपानी, नितिन पटेल समेत कई दिग्गज खुद ही अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ने से पीछे हट चुके हैं। गुजरात बीजेपी की बागियों को मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह का रविवार को पूरा दिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के बागियों से बातचीत करते हुए भी था। इसके बाद उन्होंने गुजरात को चुनाव के नजरिए से 4 हिस्सों में बांटा और जिम्मेदारियां सौंपी। इस बीच गुजरात की वर्धमान विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित जिग्ना पांड्या ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। 6 बार के बीजेपी विधायक मधुभाई श्रीवास्तव ने बगावत करते हुए निर्दलीय लड़ने की घोषणा की है। अमित शाह रविवार को सीधे दिल्ली से गांधीनगर बीजेपी मुख्यालय कमलम पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। पार्टी के कई असंतुष्टों को पहले से ही पार्टी दफ्तर बुलाकर बैठाया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में बताया गया है कि शाह ने टिकट से वंचित बीजेपी विधायक राजेंद्र त्रिवेदी से बंद कमरे में बात की। राजेंद्र को वडोदरा के रावपुरा से इस बार टिकट नहीं मिला। त्रिवेदी बगावत पर उतारू हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। शाह ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। पार्टी द्वारा रमन पटेल को फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति दिए जाने के बाद उत्तर गुजरात के विजापुर से पार्टी कार्यकर्ता अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए कमलम पहुंचे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मध्य गुजरात में वागोडिया के बाहुबली और 6 बार के बीजेपी विधायक मधुभाई श्रीवास्तव ने पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के अपने फैसले की घोषणा की है। मधुभाई ने CM गुजरात भूपेंद्र पटेल के बारे में कहा, उनकी नहीं चल रही है। मधुभाई श्रीवास्तव गुजरात दंगे 2002 में आरोपी भी थे। वडोदरा के 2 अन्य बीजेपी विधायक भी बगावत की राह पर हैं। कुछ ऐसा ही हाल सौराष्ट्र के केशोद में देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व विधायक अरविंद लदानी ने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी तरह 84 विधानसभा क्षेत्र से झंखाना पटेल को हटाए जाने का कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सौराष्ट्र की कई सीटों पर प्रत्याशी बदलने की मांग भी उठ रही है। इस बीच वडबान से पार्टी द्वारा मैदान में उतारी गई जिग्ना पांड्या ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वो रविवार को गांधीनगर में पार्टी दफ्तर पहुंची और पार्टी नेताओं का शुक्रिया अदा करते हुए चुनाव न लड़ने की घोषणा की। उन्होंने पार्टी नेताओं को एक पत्र लिखकर कहा है, उनकी जगह पर किसी और को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। बता दें, बीजेपी ने इस बार गुजरात में भी बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और पूर्व डिप्टी CM नितिन पटेल ने भी ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनको ऐसा करने के लिए कहा गया। राष्ट्रपति मुर्मू पर टिप्पणी करने वाले मंत्री की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को खुद माफी मांग ली। ममता ने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी करना तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति में नहीं है। पार्टी ने विधायक को उनकी टिप्पणियों पर आगाह किया है और पार्टी ने माफी भी मांगी है। राष्ट्रपति पर TMC मंत्री अखिल गिरी की कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायकों ने सोमवार दोपहर राजभवन तक मार्च भी किया।
बीजेपी विधायकों को बांग्ला गीत गाते हुए सुना गया और उनका नेतृत्व विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया। बता दें, अखिल गिरी ने नंदीग्राम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, हम किसी को उसके रंग रूप से नहीं आंकते, हम भारत के राष्ट्रपति के दफ्तर का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? ऐसा उन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार करते हुए किया था। देश में जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और उसने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सोमवार को कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन एक बेहद गंभीर मुद्दा है। इसने केंद्र सरकार से कहा है कि ऐसे मामलों को रोकने का कदम उठाया जाए। इसके साथ ही इसने हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि धमकाकर या लोगों को उपहार और पैसे का लालच देकर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जस्टिस एम आर शाह और हिमा कोहली की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो प्रलोभन के जरिए की जा रही इस तरह की प्रथा को रोकने के उपाय बताएं। इसने केंद्र से हलफनामा में ये भी बताने को कहा है कि इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस एम आर शाह ने कहा, जबरन धर्मांतरण देश की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए बेहतर है कि केंद्र अपना रुख साफ करे कि वो जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। बहस के दौरान इस मामले में याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा, या तो इस तरह के धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए या अपराध को मौजूदा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ये मुद्दा क्षेत्र विशेष का नहीं है और एक पूरे देश की समस्या है जिसमें तत्काल दखल दिए जाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पूरे देश में हर हफ्ते प्रलोभन, धमकी, काले जादू आदि के जरिए जबरन धर्मांतरण की घटनाएं सामने आती हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये कोर्ट 17 नवंबर को अपना फैसला सुना सकती है। फास्ट ट्रैक को यह तय करना है कि इससे संबंधित याचिका सुनवाई के योग्य है या नहीं है। ज्ञानवापी में कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किए जाने के बाद एक पक्ष ने इस कैंपस को उसे सौंपे जाने और यहाँ पूजा की इजाज़त मांगी थी। 12 नवंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उस जगह की सुरक्षा किए जाने का समय बढ़ाने का निर्देश दिया था। याचिका सुनने योग्य है या नहीं, इस मुद्दे को सिविल जज सीनियर डिवीजन एम के पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हल होना है। 27 अक्टूबर को इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद इसी कोर्ट ने 12 नवंबर की तारीख तय की थी, लेकिन उस दिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लिफ्ट था तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला 14 नवंबर को सुनने की बात कही, लेकिन अब इसे 17 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से और समय मांगा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के पहले सप्ताह के लिए मामले को स्थगित कर दिया और सरकार को 12 दिसंबर तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें, 11 जुलाई 1991 में लाए गए इस कानून के तहत सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को वैसा ही बनाए रखा जाएगा जैसे वो 1947 में थे। हालांकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इससे छोड़ दिया गया था, लेकिन अब देश में अलग अलग धार्मिक जगहों को लेकर विवाद हो रहा है और इस कानून को बदलने की मांग हो रही है। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उनके एनडीए में लौटने का कोई सवाल ही नहीं। बता दें, बिहार की सियासत में इस तरह की चर्चा तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं और वह जेडीयू से किनारा कर सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा, इस तरह की बातों में कोई सच्चाई नहीं है और ये बीजेपी की साजिश है। उन्होंने कहा कि ऐसा उनकी छवि को खराब करने और लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज में धर्म के नाम पर तनाव पैदा कर रही है और सामाजिक न्याय के प्रति उसका कोई आदर नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि ऐसी पार्टी के साथ क्या जाना जाने की बात सोचना भी अपराध है। कुशवाहा के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने और एनडीए में वापस जाने की चर्चाओं ने तब जोर पकड़ा था जब उन्होंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी कामयाब नहीं है और ये आम लोगों के सहयोग के बिना कामयाब नहीं हो सकती। हवाला के आरोप में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कथित वीआईपी सुविधा देने के आरोप में तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट अजीत कुमार को सोमवार को निलंबित कर दिया गया। हालांकि ये कार्रवाई जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बताई जा रही है। करीब एक हफ्ता पहले ये आरोप लगा था और आनंद फानंद में जांच करके एलजी ने अपना फैसला भी सुना दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा गठित जांच समिति की सिफारिश पर यह कार्रवाई की गई। जेल में बंद ठगी के आरोपी चर्चित सुकेश चंद्रशेखर ने जेल नंबर 7 के सुपरिंटेंडेंट पर आरोप लगाया था, वो सत्येंद्र जैन को सभी वीआईपी सुविधाएं दे रहे हैं, वो मंत्री का पक्ष लेते हैं। इस कथित ठग के आरोपों पर उपराज्यपाल ने जांच का आदेश दे दिया। दिल्ली सरकार के जेल विभाग ने कहा, पहली नजर में तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को अनियमितताएं करते पाया गया है जिसकी विस्तृत जांच की जानी चाहिए।
मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सोमवार को डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल कर दिया है। अब इंतजार इसी बात का है कि बीजेपी इस चुनाव में किसे उम्मीदवार बनाएगी। उपचुनाव के लिए 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन के दौरान डिंपल यादव के साथ उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने मिलकर उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तीनों ही सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए आज इंडोनेशिया दौरे पर रवाना हो गए हैं। इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी करीब 20 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अपने दौरे के बीच वो 10 देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो विभिन्न भाग लेने वाले देशों के नेताओं से मिलेंगे और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बता दें, G20 संगठन का अगला अध्यक्ष भारत है और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में ही होने वाली है। इस नजरिए से भी पीएम मोदी का दौरा अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम यानी एक धरती एक परिवार एक भविष्य की थीम पर आधारित होगी। दिल्ली में एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े कर दिल्ली के कई इलाकों में फेंक दिया। प्रेमिका का नाम श्रद्धा था और वो लिव इन रिलेशनशिप में अपने प्रेमी आफताब अमीन पूनावाला के साथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहती थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने बताया है कि श्रद्धा उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी और इसे लेकर उन दोनों के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे। आफताब के द्वारा दिल्ली पुलिस को जो बताया गया है वो बेहद खौफनाक है। इंडिया टुडे के मुताबिक आफताब ने पुलिस को बताया कि 18 मई को भी उन दोनों के बीच बहस हुई। उस दिन आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद आफताब ने धारदार हथियार से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े कर दिए और इन टुकड़ों को रखने के लिए एक फ्रिज खरीदा। अगले 16 दिनों तक वो रात के अंधेरे में बाहर जाता था और दिल्ली में अलग अलग इलाकों में टुकड़ों को फेंक देता था। फ्रिज में रखे शव के टुकड़ों से बदबू ना फैले इसके लिए वो कमरे में अगरबत्ती भी जलाता था। श्रद्धा के पिता विकास मदान ने 8 नवंबर को दिल्ली के महरौली पुलिस थाने में बेटी का अपहरण होने की शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले मदान ने शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी श्रद्धा मुंबई में एक कॉल सेंटर में काम करती थी और तब उसकी मुलाकात आफताब से हुई। इसके बाद आफताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और दिल्ली आ गए। उन्होंने शिकायत में कहा है कि परिवार वालों ने इसका विरोध भी किया था। श्रद्धा और आफताब ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में कमरा किराए पर लिया और साथ रहने लगे, लेकिन मई 2022 के बाद से ही उनका अपनी बेटी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुलिस ने आफताब को छतरपुर में स्थित उसके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया। आफताब के द्वारा अपना गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ों को खोजने के लिए दिल्ली के कुछ जंगलों में गई और वहां उसे हड्डियां मिली। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के मामले में प्रेमी आफताब ने दिल दहला देने वाले खुलासे दिल्ली पुलिस के सामने किए हैं। आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काट दिया था और इन्हें रखने के लिए 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। बता दें कि 26 साल की श्रद्धा और 28 साल का आफताब लिव इन रिलेशनशिप में दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहते थे। आफताब ने पुलिस को बताया है कि शव की बदबू अपार्टमेंट में न फैले इसके लिए वो अगरबत्ती जलाता था। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसरों के मुताबिक आफताब अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर देखता था और इससे प्रभावित था। 18 मई को श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब अगले 16 दिन तक शव के टुकड़ों को बैग में रखकर महरौली के जंगलों के अलग अलग इलाकों में फेंकता था। इसके लिए वो रात को 2 बजे के बाद घर से निकलता था। कुछ दिन पहले श्रद्धा के एक दोस्त ने श्रद्धा के भाई को बताया कि पिछले 2 महीने से श्रद्धा का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। इस पर श्रद्धा के पिता दिल्ली आए और जब फ्लैट पर पहुंचे तो वहां उन्हें ताला लगा मिला। इसके बाद उन्होंने महरौली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि उनके खिलाफ पुलिस ने 72 घंटे के भीतर 2 फर्जी मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। आव्हाड ने कहा है कि वो पुलिस की इस क्रूरता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और साथ ही विधायक के पद से भी इस्तीफा देंगे। बताना होगा कि मराठी फिल्म हर हर महादेव का विरोध करने के चलते ठाणे पुलिस ने जितेंद्र आव्हाड और 11 अन्य लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। हालांकि शनिवार को उन्हें ठाणे की एक सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई थी। जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि वो लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं देख सकते हैं।
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है, इसलिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य दलों के सैकड़ों उम्मीदवारों ने समर्थकों के साथ अपने पर्चे दाखिल किए। एमसीडी के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। एमसीडी का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलावा छोटे दलों ने भी पूरी ताकत झोंकी है। दिल्ली के शराब स्कैम मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खास सहयोगी और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी रहे विजय नायर को सोमवार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसी मामले में विजय नायर और कारोबारी अभिषेक बोनपल्ली सीबीआई की कस्टडी में काफी दिनों से हैं। इन दोनों की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ईडी ने दोनों को अपनी कस्टडी में लेकर गिरफ्तार कर लिया। ये तकनीकी गिरफ्तारी जरूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी और खासकर सिसोदिया की मुश्किलों को बढ़ाने वाली है। सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा की गवाही किसी भी समय हो सकती है, उसके खुलासे मीडिया तक जरूर पहुंचेंगे। ऐसे में एमसीडी और गुजरात चुनाव में आपकी उम्मीदों पर असर पड़ेगा। दिल्ली दंगों के आरोपित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि वो दिल्ली हाईकोर्ट के 16 सितंबर के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि ये एक अंतरिम आदेश है। वहीं हुसैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि एक ही घटना के लिए 2 FIR नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसने हुसैन को एक अजीबोगरीब स्थिति में डाल दिया है कि उनके खिलाफ एक ही घटना से उत्पन्न समान अपराधों के लिए आरोप तय किए गए हैं और उन्हीं अभियोजन पक्ष के गवाहों पर जांच एजेंसी ने भरोसा किया है। आज G20 समिट के मौके पर इंडोनेशिया के बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन की चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को इस रिश्ते को आगे ले जाने की जरूरत है। बीबीसी के अनुसार उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलकर अच्छा लगा। पिछली बार हम दावोस में 5 साल पहले मिले थे। जब से आप राष्ट्रपति बने हैं हम लोग ऑनलाइन कॉल पर बातचीत करते रहे हैं, लेकिन आमने सामने मिलने से बेहतर कुछ नहीं। आज हम आमने सामने मिले हैं। हम लोगों ने अनुभव से सीखा है। इतिहास से अच्छी किताब दूसरी नहीं है। इतिहास को आईने की तरह लेना चाहिए। अभी अमेरिका और चीन के रिश्ते उस दौर में हैं जब हमें ध्यान रखना है। दो बड़े देशों के नेता के तौर पर हमें सही फैसले लेने होंगे। शी जिनपिंग ने कहा कि हमें द्विपक्षीय संबंधों के लिए सही दिशा तलाशनी है ताकि हम अपने रिश्तों को आगे ले जाएं और बेहतर बना पाएं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जिनपिंग से सहमति जताते हुए कहा कि आमने सामने की मुलाकात के अलावा कम विकल्प बचे हैं। बाइडेन ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते को खुला रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि दोनों देश जलवायु परिवर्तन और असुरक्षा समेत दूसरे जरूरी वैश्विक मुद्दों पर साथ काम कर सकें। उन्होंने कहा कि दुनिया दोनों देशों से पार्टनरशिप की उम्मीद है। खेरसोन से रूसी सेना के बाहर जाने के बाद आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की खेरसोन पहुंचे। उन्होंने वहां सैनिकों से मुलाकात की और कहा यूक्रेन आगे बढ़ रहा है और शांति के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने नेटो और दूसरे मित्र देशों को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम से उन्हें बहुत सहायता मिली है। T20 विश्व कप के बाद ICC ने 6 टीमों के खिलाड़ियों को लेकर एक टीम बनाई है, जिसमें भारत की ओर से विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव को जगह दी गई है। 6 अलग अलग देशों की टीम से 11 खिलाड़ियों को ICC ने मोस्ट वैल्यूएबल टीम में जगह दी है। इस टीम में भारत सहित T20 वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड, रनर अप पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी शामिल हैं। इस टीम में खिलाड़ियों का चयन टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।